नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास टेंथ का हिंदी का पेपर जो कि आपका कल होने वाला है 3 फरवरी को। तो दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो दोस्तों आज को मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो पेपर बताने वाला हूँ उस पेपर में दोस्तों काफ़ी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे ही मैं इसकी और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँ तब आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का रहने वाला है और 100 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है वो यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, देखिएगा कि आपको इसमें जो का ये फिलअप वाले प्रश्न है इसको बताना है। तो गिद्ध द्वारा प्रेरित छंद कौन सा, दोहा है या फिर कुंडलियाँ हैं। फिर देखिए, शहरों में या फिर ग्रामों में लोक संधि का जन्म कहाँ पर हुआ था, इस प्रकार से बताने हैं। तो ये जो 5 प्रश्न हैं एक एक नंबर के, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से कुछ प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं जो कि कल पेपर होने वाला आपका, तो उस पेपर में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन्हें बताना है और आपको इसका जो पेपर का जो आंसर किया है, यानी कि पेपर का जो पेपर सॉल्यूशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि अगला वीडियो आएगा उसमें आपका पेपर का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। तो आप आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो जैसे ही सॉल्यूशन लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपको इस पेपर की आंसर की बात नहीं या फिर आपको इस पेपर का PDF का लिंक चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा rnstudymasala.com वेबसाइट पर। आपको गूगल पर लिखना है rnstudymasala.com rnstudymasala.com MP बोर्ड पेपर, ठीक है, हाफ ईयरली पेपर्स, या पर इसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप जैसे दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे होंगे तो यहाँ पर देखिए MP Class 10 पेपर, सारे पेपर यहाँ पर आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, क्लास टेंथ का और क्लास नाइन्थ का हिंदी के पेपर। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्लिक करके तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेपर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका गिद्ध देखिएगा ये तो हो गया। अब जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखना है। सूरदास के पदों की जो भाषा है वो कैसी है दोस्तों, ब्रज भाषा है, बिहारी भाषा, अवधी भाषा है, फिर बघेली भाषा है, तो ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया सूरदास ने। आपका नाम बाजा तो नहीं, इसने कथन किसने कहा था। फिर स्वामी विवेकानंद की मार्गरेट की पहली जो भेंट हुई थी वो यहाँ पर कब हुई थी, ठीक है, इसमें बताना था अमेरिका के अंदर। तो ये जो देखिए दोनों पद देखिए किसमें प्रदान होते हैं, यानी कि दोस्तों दोनों पद प्रदान किसमें होते हैं, कौन सा समाज जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, ठीक है, इससे बताना था आपको, आंसर लिखना था। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हो तो आपको बस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और पेस्ट देना है। बस 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस या फिर होमवर्क CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP अदर बोर्ड का हो, आपको आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है क्लास 9 से क्लास 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़े कर रहे हैं। तो आप भी चाहिए डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर देखिए औषधालय का संधि विच्छेद क्या होगा, औषध प्लस आलय, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा औषध प्लस आलय, इसमें संधि कौन सी होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। गेहूँ मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है, इसमें आपको यानी कि ट्रू और फॉल्स वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर अपने अनुसार देख लीजिएगा इसमें कौन सा प्रश्न किस प्रकार से होगा वो आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आपको सही जोड़े बने इसमें बताना है। और देखिए इसमें जो यथाशक्ति का कौन सा, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। अनोक्ति अलंकार में बड़ा चढ़ का वर्णन होता है, इस प्रकार से बताना होगा और आपको सही जोड़ी बनानी है, ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आपको सही यहाँ पर मैच करने होंगे कि कौन सा किसके अंदर अच्छे से मैच होता है, मिलान करने, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो एक वाक्य साथ में, अगर यहाँ पर देखिए प्रश्न तो प्रश्न क्या होगा दोस्तों, देख सकते हो कि गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, कम शब्द में बड़ी इस प्रकार से करना, बाड़ी बांध बनाना, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए साधु से, ठीक है, इसको बताना चाहिए। जीवन संदेश कविता का मूल स्वर क्या है, इस प्रकार से सुधार ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना है, इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन सा परिवर्तन होता है, इस प्रकार से देखना है। और ये सभी आपके ऑप्शन की अत्व वाले प्रश्न हैं, चॉइसिस वाले प्रश्न हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। गेहूँ और मानव शरीर का क्या संबंध है, इस प्रकार से प्रश्न है बहुत। तो ये देखिए आपको यहाँ पर इसकी 4 विशेषता लिखनी है, जीवन परिचय लिखना है,
ठीक है, और जीवनी इसके अंदर लिखना है आपको उसके अंदर। और ये 2500% देखिए दोस्तों, 23वां 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें देखिए आपको इसमें एक सहप्रसंग व्याख्या करनी रहेगी, और इसमें आपको गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर देना होगा। ठीक है, ये रहा गद्यांश दोस्तों, और इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसका आपको आंसर लिखना रहेगा। और इसमें दोस्तों आप किसी का एक पर आपको इसकी जो निबंध की रूपरेखा लिखनी है, किसी एक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कर, तब तक जय हिंद।